स्वच्छता और सुंदरता मुहिम को लेकर शासन द्वारा अतिक्रमण मुहिम को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश इंदौर स्वच्छता और सुंदरता को लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा। वहीं इंदौर जिले में सबसे बड़ी तहसील पांचवें धाम के नाम पर कहे जाने वाले नगर देपालपुर के साथ आपूर्ति चले अनुभागीय अधिकारी अतिक्रमण को लेकर हुआ अंजाम। ये पूरा मामला देपालपुर का बताया जाए, जहाँ पर आपको बताया चले तहसीलदार नायब, तहसीलदार नगर पंचायत, सीएमओ, पुलिस अधिकारी, एसडीओपी, देपालपुर थाना प्रभारी, महिला और पुलिस दलबल के साथ तैयारी को लेकर सुबह के समय है अतिक्रमण मुहिम को लेकर यहां पर यथास्थान मौजूद रहे। कुछ जगह को आपूर्ति चले स्वैच्छिक जनता द्वारा ही सहयोग प्रदान करके और मुहिम को अंजाम दिया गया है। थानों में आपूर्ति चले की झड़प देखने को मिली, तुरंत ही शासन द्वारा ही पूर्ण रूप से मुस्तैद रहने वाले चलते ही किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दिया गया है। कुछ जगह पर युवाओं को नाराजगी देखने को मिली है। नेपाल बुलबेटामा रोड पर ही परिस्थिति प्रारंभ होकर मुहिम प्रथम चरण में प्रारंभ की गई और नगर में चमन चौराहे के साथ ही संध्याकालीन खत्म कर दी गई है। आइए सुनते पूरा बयान। ट्रेंड के न्यूज चैनल के लिए देपालपुर से विशाल सेन की खास रिपोर्ट। प्रॉपर में काफ़ी संख्या में लोगों ने रोड से लग करके अतिक्रमण कर लिए थे। यद्यपि ये जो अतिक्रमण था ये अस्थायी स्वरूप का था और हम लोगों ने आह्वान किया था लोगों से और लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया है। खुद से लोग आगे आए हैं और अतिक्रमण को हटा रहे हैं। स्वेच्छा से जो कार्रवाई हो रही है हम लोग भी उनको हेल्प कर रहे हैं। जहां ज़रूरत हो रही है हमारे लोग काम कर रहे हैं और हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पूरा जन सहयोग हमें मिल रहा है और समाज के सारे तबके के लोग इस चीज़ को अप्रिसिएट कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है अच्छी हो रही है और ये अतिक्रमण की मुहिम चलती रहेगी। प्लान बनाया था ये यातायात व्यवस्था जो मेन रोड पे है जिससे यातायात समस्या होती थी और इसके तहत में हमने आज 9 तारीख डिसाइड की थी, जिसमें नगर भर में हमने 10 दिनों से मुनादी करवाई और अतिक्रमणकर्ताओं को हमने 2 से 3 नोटिस दे चुके थे। इसमें हमने पूरा हमला, हमने 60 लोगों का हमला था जिसमें 3 JCB, 2 क्रेन और 4 डंपर लगाए थे हमने। सर जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ एक होल भी प्राप्त हुआ है जो निगम द्वारा आपने अधीन कर लिया गया? जी, एक सरकारी ज़मीन में एक बोरिंग की सूचना प्राप्त हुई मौके पे, तो हमने उसको अधिकृत करने की कार्रवाई की जा रही है हमारे। और कितने चरण तो कैसे होगी आप बताइए? लाभान्वित लोगों पर रोजगार छीना इन्होंने, जिन घुमटियों से कोई लेना देना नहीं था उन घुमटियों को हटाया गया। यहाँ की एक जाति प्रतीक्षालय नगर पंचायत का बना हुआ है, ये भेदभाव पूर्व तरीके से भेदभाव पूर्व अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसके बावजूद एक यहाँ पर ये बिल्डिंग बना हुआ है किसी व्यक्ति का, ये हटाना चाहिए। ये ऐसा भेदभाव पूर्व अतिक्रमण नगर पंचायत सीएमओ और एसडीएम देपालपुर ने क्यों हटाया? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बगैर भेदभाव से सारा अतिक्रमण हटना चाहिए। हम नगर पंचायत और एसडीएम साहब के साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसी व्यक्ति का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किसी का नहीं हटाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपका नाम बता दीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों को बेरोजगार भी हुए हैं जिनका रोजगार इसी के कारण चलता था, उनका घर इसी से चलता था, उन लोगों की घुमटियाँ हटाई गई, बेरोजगार किया गया। ऐसा क्या शासन प्रशासन ने ये आदेश दिया एसडीएम नगर पंचायत को या एसडीएम को कि इनको बेरोजगार किया जाए? लेकिन ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं नगर पंचायत सीएमओ और एसडीएम देपालपुर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस